measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. मैं किसी भी समाज की तरक्की उस चीज से पहचानूंगा, देखूंगा, मापूंगा जब उस समाज की महिलाओं की तरक्की हुई होगी, जब उस समाज की महिलाएं बढ़ेगी, महिलाएं आगे बढ़ेगी, महिलाएं इक्वालिटी सेम जैसे पुरुष जिस स्तर पे खड़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, अगर घर की महिलाएं भी उसी तरीके से सर उठा के सम्मान से जी रही हैं, बराबरी की अधिकार प्राप्त कर रही हैं, तो मैं समझूंगा कि उस समाज ने तरक्की की है और वो कर रहा है, राइट? तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज अभी थोड़ा सा हटके बोलूंगी कि जब भी हमें जिंदगी में आगे उठना है, जबकि मुझ में भी बहुत कमियां हैं, लेकिन इस चीज को एक सेकेंड मैं आप ही को बोल रही हूँ शायद, डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। अगर हमें आगे बढ़ना है, कोई भी काम करना है, तो अनुशासन जो है, डिसिप्लिन जो है, मर्यादा, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे बीच में बहुत महान हस्तियां जिन्होंने शायद अपने जीवन, जो भी आज मंच पर बैठे हैं, शायद मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, शायद उन लोगों ने कुछ किया है, उन लोगों के अंदर एक आग है समाज को जोड़ने की, आगे बढ़ने की। कहीं पे भी बहुजन समाज की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम की हो, और समता सैनिक दल तो एक परिवार की तरह हमारे लिए, तो उन्होंने हमेशा दी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अनुशासन को मेंटेन रखें और उनके वक्त की हम कद्र करें और उन्हें सुने। और दूसरी चीज, आज 3 जनवरी, हम सब जानते हैं आज क्या है? मुझे तो नहीं लगता, माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है, या फिर हर उस बच्ची का जिसका जन्म होने में उसको मार दिया जाता था, जिस 9 साल की बच्ची या बाल विवाह, बालिक उम्र में विवाह कर दिया जाता था, विधवा को जीने का अधिकार नहीं था, सम्मान से चलने का अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माँ को अपनी मर्जी से या बेटी को अपनी मर्जी से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, सम्मान से सर उठा के जीने का अधिकार नहीं था। और आज आप इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आज सिर्फ उस एक महिला का जन्मदिन है या आज हम सबका जन्मदिन है? हम सबका जन्मदिन है कायदे से, अगर आप इस चीज को सोचें, क्योंकि उस महिला की वजह से हम सब महिलाओं का असली में जन्म हुआ। आज हर उस बाप को शुक्रगुजार होना चाहिए आज के दिन का, जब बच्ची पैदा होती है तो वो सपना देखता है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, कलेक्टर, राज्यपाल बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा, राष्ट्रपति बनाऊंगा। उस बाप को शुक्रगुजार होना चाहिए माता सावित्रीबाई फूले का, उस भाई को शुक्रगुजार होना चाहिए जो सर उठा के सम्मान से कहते हैं मेरी बहन तो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, टीचर है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, पढ़ रही है, ये कर रही है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सबसे ज्यादा उस ससुर को शुक्रगुजार होना चाहिए जिसके घर में पढ़ी लिखी बहू आती है, वो गर्व से कहता है कि मेरी बहू तो डॉक्टर है, मेरी बहू इंजीनियर है, प्रोफेसर है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या जिसके घर में बेटियां हैं और उस ससुर के घर में चारों चार पांच चार बेटे और चारों बहुएं पढ़ी लिखी आती हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज हर उस पिता को, हर उस भाई को, हर उस ससुर को, वो मर्द हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए माता सावित्रीबाई फूले का, और पुष्प अर्पित करने चाहिए उनकी फोटो के आगे या उनके चरणों पे। मैंने कह दी पूजा करो, लेकिन शुक्रगुजार रहो इस पूरे देश को, आज उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि वो थी तो हम हैं। अगर वो नहीं होती तो मेरे हाथ में आज ये माइक नहीं होता, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती और आज आप महिलाएं यहाँ बैठी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, और मेरे मैं लेट पहुंची, मेरे से पहले भी वक्तों ने, जितने भी वक्ता अगर रहे होंगे सबने बताया होगा कि जब वो एक महिला घर से बाहर निकल के ये बेड़ा उठाया कि मैं समाज की लड़कियों के लिए काम करूं, मैं इन्हें पढ़ाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से पुरुष समाज से घर से बाहर जाते हैं और पढ़ते हैं, उस तरीके से महिलाएं भी घर से बाहर जाएं, उस
दौर में जिस दौर में ब्राह्मणवाद का एक धक्का बज रहा था और वो इस तरीके का दौर था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं के पैरों में क्या थी, बेड़ियां, नकेल नाक में, और इस तरीके का माहौल बना दिया था डर डर के कि या तो ये देवियां हैं, वो देवदासी एक प्रथा थी वो चलती थी, देवियां थी मतलब ये वो देवदासियां हैं, दासियां हैं, ये घर पे बैठेगी, चूल्हा चौके करेंगी, काम करेंगी, इनको समान से द्वैत दर्जे का नागरिक भी नहीं समझा जाता था। उस दौर में वो महिला एक जो उठी बाहर निकली, तमाम तरीके का यू नो जो आज हम कहते हैं कि हमें खतरा है, आज महिला कोई बोलती है तो माँ बाप डर जाते हैं ये सोच के कि ज्यादा बोल रही है ना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या उससे भी बदतर अंजाम आज भुगतना पड़ता है कि कोई पत्थर मार रहा है, गोबर फेंक रहा है या मल मूत्र इंसान पे उनके ऊपर फेंक रहा है, उससे भी बुरा दौर है? नहीं, आज वैसा दौर तो नहीं है ना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसके अंदर इंश्योर किया हमारे अधिकारों को, वुमेन राइट्स को, वुमेन की डिग्निटी को, कि उस अधिकार को समझते हुए उस आर्टिकल के अंदर हम कोर्ट जा सकते हैं, जो भी हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा या हमारे अधिकारों का हितों का हनन करेगा तो हम इनको घसीट के कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जब उन्होंने सही तो आज हम क्या कर रहे हैं? आप सब याद रखिए, बहुत अच्छे से साजिश की गई हमारा इतिहास, या आप सुन रहे हैं सारे पीछे बैठे, जो हमारा इतिहास था उसको मिटाने की साजिश करेगी। आज आपको कहीं एक अच्छा लिटरेचर नहीं मिलेगा, कहीं एक अच्छी किताब नहीं मिलेगी लाइब्रेरी में माता सावित्रीबाई फुले, अगर किसी ने किया होगा तो वो हमारा ही समाज आज जागरूक होकर बात कर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी मिटाने की। लेकिन ये जो कुछ बहुत ज्यादा क्रांति के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, कुछ ही बहुत है, एक मुट्ठी ही बहुत है, लेकिन आई थिंक जो हम आज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो ये चीज समझे हैं, हम लोगों ने बेड़ा उठाया इस चीज का और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने एक चीज वो समझ गए थे, वो कितने इनलाइटेड होंगे जिनके पास इतनी डिग्रीज थी, जो बाहर से पढ़ लिख कर आए, उन्होंने समझा कि सिर्फ और सिर्फ वो सबसे बड़े नारीवाद का चेहरा थे, इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सिर्फ उनको एक दलितों का नेता, एक दलितों का लीडर का चेहरा दे दिया, बट सबसे बड़ा अगर कोई नारीवाद का, फेमिनिज्म का कोई चेहरा रहा हो तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये कहा कि माता जो है, माँ जो है वो बच्चे को जन्म तो देती है, कर्म नहीं देती। शिक्षा उन्होंने ये भी कहा कि वो शेरनी का दूध है, आप सबने सुना होगा। तो वो उन्होंने हमेशा इम्पोर्टेंस दी वुमेन की एजुकेशन को, औरत की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि अगर बड़ी बड़ी सम्मेलन, बड़ी बड़ी मीटिंगें उन्होंने करी, बड़ी बड़ी एजुकेशन उन्होंने करी, क्यों? कि उन्होंने एक ही चीज था कि औरतें जो समाज की हैं वो पढ़े, महिलाओं की शिक्षा की बात करी हमेशा, महिलाएं आगे आए, पढ़े, समानता से जिए। क्योंकि अगर एक महिला पढ़ती है, वो बार बार कहते थे, वो मैं ही क्यों बोल लूं, क्योंकि महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी, पुरुष पढ़ेगा तो पढ़ गया, एक पढ़ा, मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं मैं बता रही हूँ कि अगर महिलाएं पढ़ेगी तो वो परिवार को पढ़ाएगी, आगे पढ़ाएगी। तो आप सोचिए, मैं हर बार ये चीजें बोलती हूँ, मेरी ये वीडियोस वायरल भी बहुत होती हैं, और मेरी महिलाओं से मैं कोई भाषण नहीं देती, लेकिन मेरी महिलाओं की से एक चीज की रंजिश रहती है हमेशा, हम सारे कुकर्म करते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं उठ के, अभी भी कुछ करती हूँ कि पक्का डरती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पूजा करना, पाठ करना, मंदिर चले जाना, या सोमवार का व्रत रख लेना, जितने भी ड्रामे हैं, ढोंग है, जो एक मनुवादी विचारधारा ने रचे हुए वो हम करते हैं। लेकिन आप ये सोचो, मैं हर बार, शायद मैंने आखिरी लास्ट टाइम भी यहाँ कहा था कि हम देखते हैं कि कभी भी, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए, कि आप कुकर्म करते हैं, क्या आपने कभी देखा कि किसी मंदिर में जाते या मंदिर की पुजारी, मुख्य पुजारी को महिला देखा है? देखा है? चर्च की पादरी को महिला देखा है? बोलो, देखा है? है? मंदिर की मौलाना को महिला देखा है? फिर आपने राज्यपाल देखा है, पीसी देखा है, कलेक्टर देखा है, आईएएस ऑफिसर देखा है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, आईपीएस ऑफिसर देखा है, मंत्री देखे है, मुख्यमंत्री देखिए, देखिए भाई साहब देखिए, है तो मायावती जी देखिए ना, तो फिर जो अधिकार धर्म हमें नहीं देता, वो अधिकार संविधान हमें देता, वो अधिकार शिक्षा हमें देता, ये सारी चीजें कोई भी कर्मकांड करके
सिर्फ शिक्षा वो उतार आपको देगी। तो शिक्षा कि जिसने समझ लिया कि हमें शिक्षा सिर्फ ये नहीं है किताबी ज्ञान, नो, शिक्षा मीन्स एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, एजुकेशन, मॉडर्न ट्रेंड के साथ चलना। आज जो हो रहा है, अगर हम ये सोचें कि रूढ़िवादी विचारधारा को जो हमारे महापुरुषों ने पीछे किया, लात मारी उन्होंने, और हम आज भी सोचें कि मैं घर से बाहर जाऊं और मेरी बीवी या मेरी बेटी घर में बैठ के खाना बनाए, ठीक है, म्यूचुअल करते हैं ना, तुम आटा गूंथो मैं रोटी बनाती हूँ, तुम सब्जी काटो मैं सब्जी को तड़का लगाती हूँ, हो जाएगा ना काम। तो तुम ही घर में बैठ के क्यों करो, सर उठा के सम्मान से चलो मेरे साथ। पुरुष ये ना कहे, महिला कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ, ये हमारा अधिकार है, दिस इज आवर राइट, है कि नहीं है बच्चे, है ना, आपसे पूछ रही हूँ, है ना, अंडरस्टैंड करते हो ना। सो सबसे बड़ी हम सबकी जिम्मेदारी पड़ती है, संविधान हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, है ना। अगर किसी के पास नहीं हो हिंदी में तो मुझे बोलिएगा, मेरे पास उसका PDF भी है संविधान का, मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको सेंड करूंगी। ये आप सबकी जिम्मेदारी पड़ती है संविधान को पढ़ने की। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़ा चेहरा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट महमूद प्राचा जी बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा ये बात कही है कि हम सारी चीजें तो पढ़ते हैं, सब चीजों से जागरूक रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी नजर में लोग उन्हें कहते होंगे कि मुसलमान चेहरा है, मुसलमानों के नेता, मेरे लिए तो सबसे बड़े अम्बेडकर आई है। मेरी लड़ाई के बारे में आप सबको पता है, शायद अगर ये हस्ती यहाँ नहीं होती तो मैं भी यहाँ नहीं, मैं कहीं खो चुकी होती उस लड़ाई के अंदर और अकेली लड़ नहीं पाती। लेकिन ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने ये चीज समझी और मुझे SC ST एक्ट पढ़ने को कहा कि तुम लोगों को तो तुम्हारे अधिकार ही नहीं पता, इस चीज को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को समझो कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम अकेले नहीं, हम SC ST OBC minorities की बात करते हैं, मैं केवल कास्ट सेंसस की बात करती हूँ तो सर कहते हैं अभी भी जरूरत है, 92.5% तो वैसे ही है, अगर आप डेटा का एनालिसिस करो अच्छे से तो जरूरत नहीं है, बस एनलाइटनमेंट की, अवेयरनेस की, जागरूकता की जरूरत है। जिस दिन हमारे अंदर वो आ जाएगा, जिस दिन हम अपनी बच्चियों को ये कहेंगे ना कि आज संविधान का ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, आज ये पढ़ते हैं, आज ये आर्टिकल पढ़ते हैं, आज 14-15 को समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इससे ज्यादा और करने की जरूरत है। हम कोर्ट में भी जाके हम अपने साथ अत्याचार भी नहीं होने देंगे, क्योंकि पुलिस वाले सर अधिकतर ये चीज कहते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस के सर्विस का मतलब सरकारी नौकर ना, गलत हूँ क्या मैं, सरकारी नौकर ना, तो वो नौकर ही हुए ना हमारे, है ना, पब्लिक सर्वेंट, सॉरी सर, पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या हुआ, हाँ, जो पब्लिक की, पब्लिक आप है उसकी सर्विस के लिए। एक नेता क्या करने बैठता है ऊपर, किस लिए आप वोट देते हो, इसलिए कि उसको अच्छी गाड़ी मिले, बंगला मिले, गाड़ी घोड़ा मकान मिले, इसलिए कि वो ऐश करे, और मेरा काम मनता बाहर में चाहे जनता, मेरे घर तो राशन आ रहा नहीं, वो वहां पे बैठा है आपकी सेवा के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट भी और एक नेता भी, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पे बैठा है। और आज जो 131 प्लस MLA MP पावर में जो बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव बनके आपकी सेवा के लिए, ना कि जिस पार्टी के वो हैं उस पार्टी के पप्पू बनके बैठे, उस पार्टी के पप्पू बनने के लिए आप लोगों ने वोट का अधिकार, वोट का इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया, आप लोगों ने अपने अधिकारों के लिए किया। हमारा ना राशन कार्ड बनता है, ना वोटर कार्ड बनता है, ना हमारे अधिकार मिलते हैं, सरसों का तेल 200 पार, पेट्रोल डीजल का रेट देखो, हम किस लिए बैठे, इसलिए कि जो चीजें महंगाई बढ़ रही है बैठो और वो खरीदो और खाओ पियो, इसलिए नहीं, हम उन नेताओं से सवाल करने के लिए। और मेरा तो तरीका ही डिफरेंट है कि चलो 4-5 महिलाएं उठो, 10 महिलाएं भी बहुत है अगर जागरूक है तो उनके घर के बाहर बैठो, प्यार से बात नहीं बनती, ठीक है संविधानिक तरीके से, संविधानिक तरीके से नहीं तो उनके घर के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करें, बिकॉज राइट टू फ्री, जो फ्रीडम ऑफ राइट है हमारा, ये क्या है हमारा स्पीच, जो मैं बोल रही हूँ अधिकार है इस चीज का, तो मेरा जो अधिकार है सवाल पूछने का, उनके घर के बाहर बैठ के सवाल पूछे कि ये चीज हमें क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बनी। अधिकार संविधान ये देता है हमें, ये हमारा अधिकार है जितने भी हमारे, क्योंकि वो हमारे अपने है कि नहीं, जो SC ST से गए हैं रिप्रेजेंटेशन लेके तो उनके बापा दादा दादा बाबा ने लेके दिया था, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वो जो रातें जब
बाबा साहेब ने कहा था ना, किसी ने उनसे पूछा कि आप जागे क्यों, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि मेरा समाज छोया हुआ है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है, इसलिए मैं जाग के काम कर रहा हूँ। तो अभी भी वो चलता रहे हैं 21वीं सदी में, या हम जो ऐश मार रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों पर बैठ के, उनसे सवाल करेंगे कि आंखें खोल तू क्या कर रहा है, तुम्हारा नौकर है, तू इस जगह पे बैठे, हमने भेजा है हमारी वजह से, क्योंकि वो एक वोट का अधिकार बाबा साहेब ने हमें बहुत मेहनत से लड़के दिलवाया था। और अगर हम भूल रहे हैं तो वो नेता को अपनी आश कर रहा है। और मैं बहुत सारे समाज के नेताओं को इस भाषण में टारगेट कर रही हूँ, और हो सकता है अगली बार जब मैं अपना भाषण दूं तो मैं खुलकर बोलूं उनका नाम लेकर। मैं अभी भी डरती नहीं हूँ, ठीक है, मैं अभी भी डरती नहीं हूँ उनका नाम लेने से, गद्दारों का, क्योंकि उन गद्दारों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गद्दार वहां जाके लाइजनिंग करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और हमारे अधिकारों के साथ खेलते हैं। हमारा SC ST एक्ट उनकी आंखों के सामने डिल्यूट होता है, हमारे बच्चों के अधिकारों का उनके सामने हनन होता है, हमें हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे सर ने कहा बैकलॉग की लड़ाई खत्म करूंगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है टीचिंग और नॉन टीचिंग का, पता नहीं कितनी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें SC ST के बच्चे जब जाते हैं, और इसमें शायद प्राचा सर आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे, ये लोग साजिश के तहत हम लोगों को NFS कर देते हैं जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। NFS माने नॉट फाउंड सूटेबल। अब वो लोग हमें बताएंगे जिन्होंने 3000 सालों से आरक्षण लिया है कि हम सूटेबल नहीं है इस पोस्ट पर पढ़ाने के लिए, वो लोग हमें नॉट फाउंड सूटेबल करेंगे। और वो जो पोस्ट वैकेंट होती है नॉट फाउंड सूटेबल करके, वो पोस्ट खाली होती है और उसमें किसी जनरल कैटेगरी के बंदे को या बंदी को रख दिया जाता है, क्योंकि वो फाउंड सूटेबल है, वो पढ़ा सकती है, हम नहीं पढ़ा सकते वहां पे, और उस पे उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। और सोचिए, बजाइए तालियां इस बात पे, बजाओ। अब वो तालियां इसलिए है कि हम कहां हैं, हमने सोचा कि हमारे बच्चे जो आज डिग्रीज लेके नेट की डिग्री लेके बैठे हैं, नेट UGC नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, वो पोस्ट पे जो हमारा हक छीन के वो लोग बैठे हैं साजिश के तहत, वो हमारी है, हमने सोचा ही नहीं, हम लड़े ही नहीं। मैं सच कह रही हूं, अगर आप जागरूक होते हैं और इस बैकलॉग की सिंपल लड़ाई को अगर आप लड़ते हैं कि वो हमारी सीट है, हमारे अधिकार है, तो आपको गांव गांव से अपना बच्चा ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसको यहां लाना पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा ये नौकरी हमारी है, हमें ये नौकरी दो। छीननी पड़ेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। और कितनी तनख्वाह है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की? 1,00,000+। वो हमारी है, वो नौकरी हमारी है। बैकलॉग की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, बैकलॉग का मतलब आप समझे कि वो सीट जो है जिसमें हमें नॉट फाउंड सूटेबल करके निकाल दिया, और हमारी सीट पे 4 कमेटी मेंबर्स बैठे और इसने एक बोंदू सा SC ST का हमारा ऑब्जर्वर बिठा दिया, जो बिक गया, जिसने बेच दिया सब कुछ अपने लालच में, क्योंकि उसको अपना जीजा लगाना है, अपनी भांजी लगानी है, या अपनी अभी बेटी का फ्यूचर देख रहा है। एक बच्चे के पीछे इतने सारे बच्चों के फ्यूचर से वो खिलवाड़ कर गया। ऐसे दलालों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ भी जो साजिश हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है उन्होंने ही, हमारे SC समाज के प्रोफेसर ने दलाली करी थी, मेरा भी जो गला घोटने की कोशिश करती उसने करी थी। वक्त आने में नाम भी एक्सपोज करूंगी, तथ्य भी मेरे पास पूरे भरपूर मौजूद है। इस तरीके से ये दलाल काम करते हैं, क्योंकि आप अधिकार से, हक से पढ़ लिख कर आवाज उठाते हो, और इस तरीके से ये दलाल आकर लाइजनिंग करके आपका गला घोटते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, अगर इस पे मेरे साथ कोई विचार विमर्श करना चाहता है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, मेरा नंबर ले लीजिए। प्राचा साहब ने हमें ऑफिस दिया हुआ है, हम वहाँ बैठते हैं निजामुद्दीन में, आप कभी भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ वहाँ पे आ सकते हो। हमें रणनीति सर, गौतम सर, उधम सिंह सर, मैं आपसे कहती हूँ, आप भी अपने जो भी कैडर है उनको कहिए, हम इस चीज पर चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी वो सीटें वापस ला सकते हैं। किसी को भी किसी तरीके की अगर कोई इस पर गाइडेंस चाहिए, हम बैठ के बात कर सकते हैं, और ये लड़ाई मुझे लगता है हम बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। 2700 भी मोटा मोटा आंकड़ा है, मोटा मोटा जो पता नहीं कितने हो सकता है, 10,000 हो, 2700 तो मुझे पता है जो मोटा मोटा है, तो वो सीटें हम वापस ला सकते हैं और ये लड़ाई को हम लड़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं प्राचा साहब को सुनूं और आप सब भी उन्हें सुने।
और मेरी भी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और जैसे ही उसका कोई नतीजा आएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी उस चीज़ को। और महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आगे निकल कर आई। बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जब हम हार नहीं मानते और डट के लड़ते हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं। सर झुकाना नहीं है कभी भी किसी के आगे। मोबाइल नंबर लिख लीजिए मेरा 8860609489। मीडिया वाले इसको क्रॉप कर लें, 8860609489। ठीक है हाँ, डॉक्टर ऋतु सिंह जी। चलिए, जय जय भीम, जय भारत, जय संविधान।